शहर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से हरित ब्यावर के तहत 55,000 पौधे लगाने के लक्ष्य को लेकर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में जनप्रतिनिधियों तथा भामाशाहों के सहयोग से सघन पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वयं नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहरी मनरेगा के तहत महिला मजदूरों से भी पौधारोपण करवाया जा रहा है, लेकिन बिना मॉनिटरिंग के किए जा रहे पौधारोपण में श्रम तथा धन का अपव्यय हो रहा है। मनरेगा श्रमिक सड़कों के किनारे उगी गाजर घास के सहारे सहारे केवल हाथों से खड्डा खोदकर इसमें पौधे रोपकर अपने कार्य की इतिश्री कर रही है। सड़क किनारे रोपे जा रहे इन पौधों की सुरक्षा की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होने के कारण इनके पनपने की संभावना 0% दिखाई दे रही है। ऐसे में परिषद की ओर से किया जा रहा खर्च अपव्यय ही साबित होगा। पौधारोपण के बाद पौधों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए ट्री गार्ड अथवा कंटीली झाड़ियों से इन पौधों का बचाव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होकर केवल मात्र उन्हें छोटे से खड्डों में लगाकर कर्तव्य की इतिश्री की जा रही है। साथ ही मजेदार बात यह है कि मनरेगा श्रमिक सड़क किनारे खाली पड़े निजी स्वामित्व वाले भूखंडों के आसपास भी पौधारोपण कर रही है। अगर यह पौधे पनप जाते हैं तो भविष्य में भूखंड स्वामी की ओर से किए जाने वाले निर्माण के दौरान उक्त पौधों को हटाना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति जिस उद्देश्य से इन पौधों को लगाया जा रहा है वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। परिषद प्रशासन को चाहिए कि परिषद के धन का अपव्यय रोकने के लिए इसकी मॉनिटरिंग करे तथा पौधों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करे ताकि हरित ब्यावर अभियान को चार चांद लग सके। श्रावण मास